This क्या आवाज conference आ will रही now be है? recorded. जी वालेकुम अस्सलाम, जिन जिन्होंने इस्लाम किया सबको वालेकुम अस्सलाम। जी प्रोफेसर, काम अच्छा था। आपने जो असाइनमेंट दी थी वो अच्छी थी, बट आई बिलीव कि थोड़ी सी प्रैक्टिस की और जरूरत है कुछ एरर से। बट मेरा ख्याल है कि पिन पॉइंट करके अगला जो है ना वो फील डिग्रेड करते, तो मैं इसलिए किसी को भी नहीं पर्टिकुलरली कर रहा, बट ये सिर्फ जनरल बताने के लिए कि ये एक असाइनमेंट है भी, आपको और एड्स बनानी पड़ेंगी अपना हाथ सेट करने के लिए। ये सब के लिए है कि भी और एड्स बनानी पड़ेंगी आपको। इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं 8:45 पे। हम 4 मिनट का और वेट कर लेते हैं, इन केस इफ समवन वांट्स टू ज्वाइन, तो हम 8:45 तक का वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल प्रसाद, जो भी काम देंगे ना, मतलब जो सब असाइनमेंट इसलिए देंगे, आज के लेक्चर में भी एक असाइनमेंट है वो, ताकि जो है ना आप लोगों का हाथ भी सेट हो और समझ आए। शहजाद हबीब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहजाद, आपने मेरा ख्याल है कि पहले 2 लेक्चर्स नहीं वॉच किए हुए, तो आप उनको जाके वॉच करें ताकि आपको समझ आए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आज के लेक्चर से पहले वो भी आपको बहुत सुनना लाजमी है कि वो पुराने अपलोड किए हमने ग्रुप के ऊपर। और आज का लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, तो प्लीज सबने जो है ना इसको गौर से सुनना है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिन्यामिन भाई, वालेकुम अस्सलाम। जी फहीम भाई, आपके प्यार का शुक्रिया। अल्लाह आपको आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए और आपके लिए आसानी करे। जी फहीम भाई, वो बस अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो है ना सिम रश का, इट वाज अ गुड। और भी बड़े कीवर्ड्स हैं जहाँ पे हम रैंक कर रहे हैं, बट चूंकि पर्टिकुलरली वो सिम रश का था और मेल आई थी, जिस वजह से आई थॉट टू हाईलाइट दैट और बाकी लोगों के साथ डिस्कस करने का था। जो सवाल है बिन्यामिन भाई का, मैं बिन्यामिन भाई 8:45 पे आपका आंसर करूंगा, बिकॉज जो है ना हमारा टाइम वहाँ से स्टार्ट होता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सिफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फबी रबिकुमा तुकज़्ज़िबान, देन व्हिच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से। उम्मीद करते हैं कि आज जो है हम एक जो चीज़ सीखें और जो हम एक चीज़ लें, आज हम उसको बेहतरीन तरीके से समझ सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है
पर्टिकुलरली हमारा कीवर्ड्स हमारा मेन टॉपिक है, हम जिसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर साथ थोड़ा सा ऑक्शन प्रोसेस जिसके जरिए गूगल ऑक्शन होता है, वो कीवर्ड्स की ऑक्शन होता है, थोड़ा सा हम इसको एक दफा रिवाइज कर लेंगे। सवालात में से स्टार्टिंग में सबसे पहले है, सवाल है बेन्यामिन भाई का कि सर आप किसी कैंपेन की फॉरकास्टिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। बेन्यामिन भाई अभी हम प्रैक्टिकल प्रोबेबली हम नेक्स्ट स्लाइड लेक्चर से हम प्रैक्टिकल में जाएंगे और वहां पे जाके हम आपको दिखाएंगे कि हम इस कैंपेन की फॉरकास्टिंग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसको कहाँ पे देख रहे हैं। जहां तक है क्लाइंट का बजट होना, देखिए आइडियली क्लाइंट के बजट के लिए मैंने पिछले लेक्चर में एक स्लाइड यूज की थी जहां पे मैंने कहा था कि एज मच एज यू कैन स्पेंड यू कैन स्पेंड, बट मोस्टली क्लाइंट्स आर हेसिटेट और वो 1,000-2,000 डॉलर पर मंथ से ज्यादा पे स्टार्ट में नहीं आते, शुरू में नहीं आते, उसके बाद इंक्रीज करते हैं। जब आपके पास बजट टाइट होता है तो आपको बड़ा देख के कैंपेन्स बनानी होती है, बड़ा देख के रनिंग करना होता है ताकि इन्हीं बेसिस के ऊपर आपको बजट्स बाद में बढ़ते हैं। जब आपको बजट्स बढ़ते हैं तो आपके पास रूम फॉर टेस्ट बढ़ जाता है, तो शुरू में थोड़ा सा ध्यान करना होता है, फिर आप खुल के खेलते हैं। तो जब शुरू में ध्यान होता है तो हम मोस्टली पहले तो देते हैं जी रीटार्गेटिंग रीमार्केटिंग की कैंपेन देते हैं ताकि हम प्योर कन्वर्जन ट्रैफिक लें। सेकंड हम लेते ही सिर्फ कुछ ऐसी कीवर्ड्स के साथ ट्रैफिक जो आप आगे आपको समझ जाएगा। आज का जो लेक्चर है उसमें हम कुछ कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपको हेल्प भी करेंगे, समझने भी देखेंगे कि क्या चीज है, कीवर्ड्स क्या चीज है। और फहीम भाई का सवाल है सर आज का लेक्चर कितनी देर का होगा। फहीम भाई प्रोबेबली वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा 1 घंटे का लेक्चर होगा, इससे ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा ये वाला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक आधी हम कोई मजेदार सी एक स्लाइड रखें स्टार्ट में लेक्चर के, जो एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, कि देखें एक एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती इंसान से क्या कुछ करवा देती है। सो यू यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, एक छोटी सी गलती कहाँ से कहाँ ले जाती है, देख लेंगे आगे एक सारी अच्छी वाली इमेज खराब हो गई। जी आमिर वजीद भाई वालेकुम असलाम। सो ऑक्शन प्रोसेस को रिवाइज करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा ऑक्शन प्रोसेस है क्या, ऑक्शन प्रोसेस है क्या। ऑक्शन का मानी उर्दू में बोली के हैं, बिड के हैं। जब भी अक्सर आपने देखा हो कि गाड़ियों की, जैसे अभी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने गाड़ियों की नीलामी की थी तो एक ऑक्शन प्रोसेस हुआ था जहां पे बिडिंग हुई थी, बिडिंग 1, 2, 3, 4 करके जो हाईएस्ट बिडर हुआ था उसको गाड़ी बेच दी जाती थी, ये होता था बिडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू होता था। एक मिनिमम बिड भी होती है, इसी तरह गूगल का भी सिस्टम ऑक्शन बेस्ड होता है। मिनिमम बिड है 0.01 डॉलर और फिर आगे जितनी ज्यादा हो सके। हमने पिछले लेक्चर्स में आपको शायद याद हो हमने पढ़ा था कि क्वालिटी स्कोर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, और जितना अच्छा क्वालिटी स्कोर होगा उतनी अच्छी आपकी एड रैंक होगी। हमने फॉर्मूला लास्ट टाइम बताया था क्वालिटी स्कोर को मल्टीप्लाई करने हमारी सीपीसी के साथ, तो हमारे पास हमारा एड रैंक आ जाएगा। हर दफा जब भी यूजर सर्च करता है गूगल पे तो एक ऑप्शन होता है और उसके मुताबिक एक फॉर्मूला बनता है एड रैंक का, और फिर उसमें जो सबसे ज्यादा जिसके नंबर्स होते हैं उसको नंबर 1 पोजिशन पे एड दिखाई जाती है। एड रैंक को मल्टीपल फैक्टर्स के जरिए कैलकुलेट किया जाता है, सीटीआर काउंट की, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, रेलिवेंसी, कीवर्ड रेलिवेंसी, लैंडिंग पेज। ये फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको बताया, सीपीसी को जब हम क्वालिटी स्कोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एड रैंक आ जाता है। आप लोगों में से ये बात किसी को याद है या नहीं याद, बिकॉज इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज ये हमारी कैंपेन की जान होगी। आगे जब हम प्रैक्टिकल्स कैंपेन बनाएंगे तो ये फॉर्मूला हमें फुट स्टेप्स पे, मतलब आई मीन फिंगर स्टेप्स पे रटा होना चाहिए। सीपीसी इंटू क्वालिटी स्कोर इज इक्वल टू एड रैंक। फहीम भाई पैसे ज्यादा देना इज वन एस्पेक्ट मैंने पिछले लेक्चर में सुनाया था, मैं आपको फिर बताऊंगा, आप वो देखें उसको तो आपको समझ आएगा कि क्वालिटी स्कोर का कॉन्सेप्ट क्या है। पैसा मैटर करता है मगर जो आपको क्वालिटी स्कोर ज्यादा मैटर करता है। एड्स विद स्ट्रॉन्गर एड रैंक्स पे लेस ऑन गूगल, सो इट वाज दिस। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इट वाज जस्ट फॉर अ रिविजन कि हमने एड रैंक को डिस्कस किया था और फिर हमने एड्स को भी डिस्कस किया था। आज का सवाल है व्हाट इज द कीवर्ड, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड किसी को पता है, आप लोगों में से कोई इसी को पता है कीवर्ड का। आज हमारे पास इतनी हेल्दी फैमिली है। सो पर्सन का सर्च क्वेरी,
जी आपने बिल्कुल सही कहा, जिसको पता है वो बताएं साथ। आमिर मजीद बेगे ने पीपल सर्चेज ऑन कीवर्ड्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको बिन्यामीन, जो यूजर की क्वेरी होती है वो कीवर्ड होगा। जी बिल्कुल सही बिन्यामीन भाई ने कहा। अलीम भाई कह रहे हैं कीवर्ड इज अ वर्ड सर्च बाय यूजर, जी बिल्कुल सही ऑन सर्च इंजन। और जैन आसिफ व्हाट पीपल फाइंड, आमिर मजीद बेगे ने यूजर रिक्वेस्ट, जी बिल्कुल सही। हम काफी हद तक वी आर क्वाइट हम करीब हैं कीवर्ड के। आज हम तो है ना थोड़ा सा आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो इट ऑल स्टार्ट विद अ क्वेरी, हम गूगल पे सर्च करते हैं और डैट क्वेरी इज नोन एज अ कीवर्ड। और कीवर्ड्स में डिफरेंट टाइप्स होती हैं और कीवर्ड की डिफरेंट टाइप्स आप लोगों को पता होंगी तो मैं पूछता हूँ कि क्या होती हैं, और आई एम श्योर के 90% लोग गलत बताएंगे। तो बताएं आप लोगों में से क्या होती हैं कीवर्ड टाइप्स, क्या होती हैं? अलीम भाई कह रहे हैं कमर्शियल कीवर्ड, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, LSI कीवर्ड्स, नेगेटिव डायनामिक कीवर्ड, DKI इंसर्शन। परसा कह रही है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड बाइंग एंड रिव्यू, काफी हद तक ठीक। अलीम इकबाल भी कह रहे हैं बायर कीवर्ड्स, काफी हद तक हम सही जा रहे हैं और काफी हद तक आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में हमने ये समझना है एग्जैक्ट कीवर्ड्स, फहीम भाई भी कह रहे हैं आज की हमने लेक्चर में ये समझना है कि कीवर्ड्स होते क्या हैं और लोग कैसे किसी चीज को सर्च करते हैं और हमें क्या अपनी कैंपेन में उसके मुताबिक डालना चाहिए, कौन सा कीवर्ड हमें डालना चाहिए। एवरी रेलिवेंट कीवर्ड इज नॉट ए टारगेटेड कीवर्ड, ये बात हमेशा याद रखिएगा। एवरी रेलिवेंट कीवर्ड इज नॉट द टारगेटेड कीवर्ड। जी फहीम भाई शॉर्ट एंड लॉन्ग टेल क्वेरी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले मैं कीवर्ड को डिवाइड करता हूँ 4 कैटेगरीज में, इसके बाद हम इसको और बढ़ाएंगे, ठीक है? पहले हम स्टार्ट में करते हैं 4 कैटेगरीज। एक है अवेयरनेस कीवर्ड, एक है इंटरेस्ट कीवर्ड, एक है शॉपिंग कीवर्ड और एक है बाइंग कीवर्ड, ठीक है? हम कोई सा भी नीश पकड़ते हैं, फिर हम उनके कीवर्ड्स के ये कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। आप लोग बताएं किस प्रोडक्ट के हम बनाएंगे कि अवेयरनेस कीवर्ड्स बनाए, ताकि आपको समझ आए कि ये चार हैं क्या। कोई प्रोडक्ट पकड़ लें जिस प्रोडक्ट को हम डिस्कस करें, कोई बताएगा कोई इसी प्रोडक्ट जिसको हम डिस्कस करें इसमें? हम वेट लॉस में भी कोई पर्टिकुलर पकड़ लेते हैं, वेट लॉस में ये या वेब डिजाइनिंग में, चले हेयर वेट लॉस को पकड़ लेते हैं। वेट लॉस में प्रोडक्ट का नाम है A2, ठीक है जी? ये कीटो, कीटो पकड़ लेते हैं, कीटो कीटो पकड़ लेते हैं, सिंपल कीटो डाइट है ना। अब अवेयरनेस कीवर्ड वो होता है जहां पे हम प्रोडक्ट के बारे में जाना जा रहे, कंज्यूमर की एक बाइंग साइकिल होती है, यूजर उस तरह से सोच रहा होता है। अब हम जब कीटो है, जब हमने अवेयरनेस स्टेज पे हैं, तो हम क्या सर्च करेंगे, व्हाट इज कीटो डाइट। ये हमारा अवेयरनेस का कीवर्ड, ये हमारा रेलिवेंट भी कीवर्ड है मगर अवेयरनेस है। जब हम इसमें देखते हैं ना, ये हमारा अवेयरनेस कीवर्ड है, इट मींस कि हम इसमें प्रोडक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, हम प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाह रहे। जब हम सर्च करते हैं व्हाट इज कीटो डाइट, इट मींस कि हम प्रोडक्ट की अवेयरनेस में जा रहे हैं। जब हम जाते हैं ना इंटरेस्ट में, फिर जब हम करते हैं हाउ डज कीटो डाइट वर्क्स, इट मींस कि हम कीटो के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। जब हम अवेयरनेस में थे उसमें हम प्रोडक्ट को जानते नहीं थे, ये उसके बेनिफिट्स नहीं जानते थे, ये उसका पता नहीं था ये क्या है, कैसे फंक्शन करती है, किस चीज के लिए बनाई गई है। जब हम इंटरेस्ट में जाते हैं तो इस मीन्स कि हमें थोड़ा आइडिया होता है प्रोडक्ट के बारे में, अवेयरनेस स्टेज से निकल जाते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग में चले जाते हैं, इसके बारे में हो जाता है कि मालूम जानने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या सर्च करते हैं, हाउ कीटो डाइट वर्क्स। अब ये भी हमारा रेलिवेंट कीवर्ड है मगर ये कीवर्ड भी हमारा बाइंग कीवर्ड नहीं है। जब हम सोचते हैं ना अवेयरनेस कीवर्ड, तो हम क्या करते हैं, हम जनरल उसको कहते हैं व्हाट इज कीटो डाइट। जब हम जाते हैं इंटरेस्ट में, फिर कहते हैं हाउ डज कीटो डाइट वर्क्स। फिर जब हम जाते हैं शॉपिंग कीवर्ड्स पे, तो आप लोग बताएं क्या होते हैं? शॉपिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं? अच्छा, जो है ना शॉपिंग कीवर्ड्स, बेसिकली वो ऐसे होते हैं जैसे एक बिन्यामिन भाई ने बताया की टू प्राइस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ की टू, फ्रॉम वेयर आई कैन बाय की टू, ठीक है? ये हमारे शॉपिंग कीवर्ड्स है।
बाइंग कीवर्ड्स हैं कि बाय कीटो डाइट, चीप कीटो डाइट डील्स, आई वांट टू परचेज कीटो डाइट। ये हमारे शॉपिंग और बाइंग कीवर्ड्स काफी हद तक आपस में कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे से मिक्स करते हैं, मगर थोड़ा सा फर्क होता है। जब हम सर्च करते हैं ना, व्हाट इज प्राइस ऑफ अ कीटो डाइट, ये हमारी माइंड साइकिल कुछ और है। जब हम करते हैं, अब देखें शॉपिंग कीवर्ड में जब हम कहते हैं ना व्हाट इज प्राइस ऑफ कीटो डाइट, इट मींस कि हमने कीटो डाइट का पता भी है, फंक्शन कैसे करती है, अब हमने इसको खरीदना, हम इसकी जानना चाह रही है, हमारा शॉपिंग कीवर्ड है। जब हम सर्च करते हैं ना बाय कीटो डाइट, ये हमारा बाइंग कीवर्ड है। यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली सब कुछ सोच लिया हुआ है, अब हमने चीज को खरीदना है, इसीलिए हमें पता चला कि ये हमारा बाइंग कीवर्ड है। ठीक है, ये चार समझ आ गए बेसिक चीजें, फिर हम आगे चलते हैं इनकी और एक्सप्लेनेशन में। बेसिक चीज कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक हो गया। डिपेंडिंग अपॉन द नीश, अवेयरनेस कीवर्ड्स माइट आउट परफॉर्म इंटरेस्ट एंड शॉपिंग लेवल कीवर्ड्स। बायर कीवर्ड्स विल ऑलवेज ऑलवेज बी योर बेस्ट परफॉर्मिंग वन, सो और परफॉर्म करते हैं इन रिगार्ड्स टू क्लिक और विजिटर्स और ऑडियंस इंटरेस्ट, बट योर बेस्ट कीवर्ड आर योर बाइंग कीवर्ड्स। ठीक है, हमेशा याद रखने का, जो आपके बेस्ट कीवर्ड्स हैं वो आपके, नॉट एवरी रेलिवेंट कीवर्ड इज योर टारगेटेड कीवर्ड। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इनर स्टेज पे और हम और कीवर्ड्स की वेरिएशंस को समझते हैं। अब हमें ये तो समझ आ गया है कि हमारे बाइंग कीवर्ड्स कौन से हैं, हमारे अवेयरनेस कीवर्ड्स कौन से, हमारे इंटरेस्ट कीवर्ड्स कौन से, हमारे शॉपिंग कीवर्ड्स कौन से, बट अगर हम इनसे को रिलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं जियोग्राफिकली बेस्ड सिटी स्पेसिफिक कीवर्ड्स। ठीक है, अक्सर लोग सर्च करते हैं बाय आईफोन नियर मी, कभी देखा हो, कभी इसका कॉन्सेप्ट पता चला हो कि बाय आईफोन नियर मी लोग ऐसे सर्च करते हैं, मतलब ऐसा हुआ आप लोगों के साथ इत्तेफाक, आपने सोचा हो कि यूजर इस तरह सर्च करता होगा। अच्छा, एक ये एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट होता है मैं सर्च करता हूँ बाय आईफोन एक्स इन लाहौर, बाय आईफोन एक्स इन कराची, बाय आईफोन एक्स इन इस्लामाबाद, या आईफोन डील्स इन लाहौर, आईफोन डील्स इन कराची, ये भी हमारे जियोग्राफिक हैं। क्या ये हमारे टारगेटेड कीवर्ड्स हो सकते हैं आपके ख्याल में? अगर हम कीटू के साथ करते हैं तो कीटू डील्स इन लाहौर, कीटू डील्स इन, अब देखे ना, अच्छा अब एक है सिटी स्पेसिफिक, अब हम जाते हैं एरिया स्पेसिफिक। अब मैं जैसे गुलबर्ग में रहता हूं तो मैं शायद सर्च करूं कि आईफोन एक्स डील्स इन गुलबर्ग लाहौर, ठीक है, अब ये मेरा और इनर डेप्थ चला गया कीवर्ड, ये भी मेरा टारगेटेड कीवर्ड है, ये भी मेरा बाइंग कीवर्ड है, मगर ये मेरा जियोग्राफिकली बेस्ड कीवर्ड है। और ऐसा हो सकता है कि मैं सर्च करूं और स्पेसिफिक हो जाऊं तो मैं कहूंगी जी वे गुड डील्स इन गुलबर्ग टू लाहौर, अब डिफेंस के जैसे मेरा गुलबर्ग टू में रहता हूं तो गुलबर्ग टू आ गया, और ठीक हो गया। ये हमारे जियोग्राफिक बेस्ड कीवर्ड से ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे समझ, हमारे बाइंग के लिए, और यूजर भी इसमें ह्यूज इंटरेस्ट रखते हैं लेने के लिए। फिर इसके बाद आते हैं हमारे डिस्काउंट बेस्ड कीवर्ड्स। अच्छा, एक फर्क है थोड़ा सा यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल जी, आमिर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब जब हम जाते हैं ना डिस्काउंट बेस्ड कीवर्ड्स में, इसमें हमें ना यूजर की साइकी को समझना है। जब हम कहते हैं ना कि डील्स इन आईफोन एक्स, जब हम कहते हैं प्रोमोशंस या वाउचर्स या डिस्काउंटेड डील्स, इसका मतलब है कि हमारा यूजर थोड़ा सा टाइट ऑन बजट है, हमारा यूजर की वो कैपेसिटी नहीं है। जब आप सर्च करते हैं ना बाय आईफोन एक्स, ये बंदा सर्च करता है ह्यूजली अमीर बंदा, जो थोड़ा सा अमीर से नीचे लेवल पे आता है वो सर्च करता है चीप आईफोन एक्स, ये थोड़ा सा टाइट ऑन बजट, थोड़ा सा। जब आप देखें, अब समझ आ गया आपको, अब जो बंदा सर्च करता है ना प्रोमोशंस या डील्स, ये सारा वो प्राइम से हटके है, जो बाय आईफोन एक्स का सर्चर है, और ये हैं सारे बाइंग कीवर्ड्स, मगर हर एक की साइकी को समझना पड़ेगा कि हमारा यूजर की पावर क्या है, परचेज पावर क्या है। ये हमारे डिस्काउंट बेस्ड भी हमारे रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं जिसके जरिए हम कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हमारा कस्टमर थोड़ा सा टाइट ऑन बजट होता है। ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं,
आप लोग को ये पॉइंट समझ आ गए? कोई सवाल तो नहीं आपको अभी तक यहां तक किसी का? आमिर मजीद भाई ने कहा है कि रिपीट करें। अच्छा आमिर भाई मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली एक हमारे कीवर्ड होते हैं बाइंग कीवर्ड्स, फिर इसके बाद एक आते हैं हमारे डिस्काउंट बेस्ड कीवर्ड्स। जब एक बंदा सर्च करता है ना बाय आईफोन एक्स, इट मींस या बाय की टू राइट, इट मींस कि उसकी जेब में पैसे हैं और वो अच्छा ढूंढ रहा है की टू राइट अच्छी कहाँ से वो अपने घर के पास से ले सकेगा। जब वो सर्च करते हैं ना डील्स फॉर की टू राइट या प्रमोशन फॉर की टू राइट, इसका भी मतलब है कि वो कीटो डाइट ही खरीदना चाहता है, मगर वो बाइंग कीवर्ड से फर्क ये है कि ये वाले यूजर का बजट थोड़ा सा टाइट है। इस बुआ बजट बंदे का बजट उतना नहीं है जितना बाय आईफोन वाले का था, बाय कीटो डाइट का था। अच्छा अब यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ये समझने वाला है, वो ये है कि इसको आप टारगेट कैसे करना है। इस यूजर को जो आपका डिस्काउंट बेस्ड चीजें ढूंढ रहा है, आप इसको कोई चीज फ्री में दे दें, लेट से साथ आप कह दें कि यार आप अभी खरीदेंगे तो हम आपको साथ में कुछ और फ्री दे देंगे, कोई छोटी एक्सेसरी साथ फ्री दे दी, कीटो के साथ आपने 5 फ्री डाइट प्लान दे दिया या 5 दिन की दवाइयां एक्स्ट्रा दे दी, वो ये यूजर मच मोर लाइकली टू बाय। इन यूजर्स को अक्सर, इन यूजर्स का प्रॉब्लम क्या होती है कि दे वॉन्ट टू बाय मगर दे नीड एन अर्ज, इनको थोड़ा सा एक्शन दिलवाने के लिए ना जल्दी करवानी पड़ती है। यानी कि जैसे ये डील सिर्फ 3 दिनों के लिए महदूद है, दिस इज अ लिमिटेड टाइम डील और दिस डील इज गोइंग टू बी एंड, या आज हम आपको आज ऑर्डर करेंगे तो हम आपको चीज साथ फ्री में देंगे। अच्छा ये भी वो यूजर है जो आपके प्रोडक्ट खरीदना चाहता है मगर ये थोड़ा सा टाइट ऑन बजट है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आमिर भाई? ये बात को समझ आ गया है आमिर मजीद भाई? ठीक हो गया। अब इसके बाद आते हैं हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड भी हमारे टारगेटेड होते हैं मगर इनमें हमें बड़ा स्पेसिफिक जाना पड़ता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें गलती का अंदेशा बहुत ज्यादा हो जाता है, और जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाता है ना, यूजर या तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है प्रोडक्ट के बारे में, या वो बहुत जनरल चल रहा होता है, बीच वाला यूजर नहीं होता, या तो वेरी इंटरेस्टेड या वेरी लेस इंटरेस्टेड जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने, अगर यूजर इसी तरह सर्च करे तो ये भी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन केस में। अब देखें वो भी है ना, आईफोन 6 प्रोमो डील्स इन वॉशिंगटन, चीप आईफोन 6 डील्स इन न्यूयॉर्क, आईफोन 6 एट बार्गेन इन लंदन, ये हैं वही, बट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जिनको नहीं पता उनके लिए कि मल्टीपल कीवर्ड टुगेदर जब कंबाइन होते हैं तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बन जाते हैं। एक्चुअली ये यूजली 4 या 4 से ज्यादा एग्जाम्पल्स में मोस्टली यूज किया जाता है। इसके बाद एक और चीज है, मिस स्पेलिंग्स हैं। अच्छा मिस स्पेलिंग्स ब्रांड्स के भी हो जाते हैं और कंपनीज के भी हो जाते हैं। कीटू को लोग केटू से भी सर्च करते होंगे, KTU बाय केटू। अब एक बंदा देखे ना, मैं अब आप लोगों को मैसेज में भेजता हूँ ताकि आप लोग चैट में भेजता हूँ ताकि आप लोगों को सबको समझ आए कि एक बंदे ने देखे एक ये कीवर्ड है बाय कीटू और एक ये है बाय केटू, या ये बाय एक और भी हो सकता है बाय कीटू। आप लोगों के ख्याल में कितने परसेंट चांस है कि यूजर स्पेलिंग मिस्टेक करके ये लास्ट 2 वेरिएशन में से कोई वेरिएशन यूज कर सकता है, चीज उसने खरीदनी है? कोई चांस है आप लोगों में से कि कोई ये खरीद, ये लास्ट 2 में से? 60% चांस, 20% चांस, 25%? अच्छा यू बिलीव देर इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा दिस मिसस्पेलिंग के साथ ऑल हर दफा रिजल्ट अच्छा नहीं आता, कन्वर्जन हर दफा अच्छी नहीं होती, मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ बात, मगर कुछ जगह पे हमने कुछ के साथ देखा है कि ये अच्छे रिजल्ट्स दे जाती हैं, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मिसस्पेलिंग्स को भी देखें, मगर मिसस्पेलिंग्स आपके ब्रांड या प्रोडक्ट नेम तक होनी चाहिए और किसी चीज में मिसस्पेलिंग ना हो, तो आप इनके रेलिवेंट कीवर्ड्स भी निकाल सकते हैं। ऊबर सजेस्ट कैन हेल्प यू अलॉट इन सजेस्टिंग यू मेनी कीवर्ड्स बट नॉट एवरी जनरेटेड कीवर्ड इज योर टारगेटेड कीवर्ड, यू नीड टू बी वेरी सेल्फली लिमिटेड करना पड़ेगा जो आपको समझ आए कि यार ये हाँ ये हो सकता है मिस स्पेलिंग मेरे, और मिस स्पेलिंग के साथ कीवर्ड्स को फ्रेस या एग्जैक्ट मैच के साथ जाना वो मैं आगे आपको बताऊंगा, इसके अलावा और किसी के साथ नहीं जाना। जी अनीम भाई प्रॉबेबली अगर आपकी एड टारगेटेड नहीं है तो एड बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए।
नासिर बिलाल भाई, मुझे आपका सवाल नहीं समझे। ब्रांड और ब्रांड या प्रोडक्ट, मतलब आपकी जो ब्रांड या प्रोडक्ट या जो सर्विस है वो। जी आमिर भाई ने कहा है कि वी शुड बी स्ट्रिक्ट फॉर। जी बिल्कुल आमिर भाई, हमें वी नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन चूजिंग अवर बाइंग कीवर्ड्स। आई एम ये एक अलग एड ग्रुप बनाएंगे, इसके लिए एग्जिस्टिंग एड ग्रुप में नहीं खेलेंगे। आप एक बना के देखेंगे, थोड़ा सा $15-20 की बजटिंग स्पेंड करके देखेंगे, अच्छे रिजल्ट देता है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देंगे। बट अगेन इट्स वेरी ऑप्शनल, इट ऑलवेज नॉट रिकमेंडेड, इट्स वेरी ऑप्शनल। आपका बजट हो अच्छा फिर जाए, नहीं तो ना जाए। ये एक ऐसे पंगा लेने के लिए है, इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। बट मैं एज अ मार्केटर आई ट्राई, आई लाइक टू ट्राई थिंग्स, तो मैं इस वजह से मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। अच्छा एक और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, कि लोग जो समझते हैं कि ब्रांड टर्म्स के ऊपर सेल्स नहीं होती, तो दे आर वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ब्रांड टर्म्स पे सेल्स हो जाती हैं, जब लोग ब्रांड को क्वेरीज के तौर पे सर्च करते हैं वहां से सर्च सेल्स हो जाती हैं, कन्वर्जन हो जाती हैं। डिपेंड करता है आपकी ब्रांडिंग वैल्यू क्या है और कैसा ब्रांड है। अब जैसे लेट से अब एक बंदा गो डैडी, गो डैडी इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल ब्रांड, एक्सट्रीमली। ब्लू होस्ट इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल ब्रांड। यहाँ पे आप इन कीवर्ड्स के साथ खेलेंगे और इसके मिसस्पेलिंग में जाए तो प्रोबेबली शायद बंदा बाय ना करे, बट छोटे ब्रांड्स के साथ यू कैन वर्क वेरी वेल विद मिसस्पेलिंग्स। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया, तो अब हम आगे चलते हैं कीवर्ड मैच टाइप्स के ऊपर। अभी तक चले ठीक हो गया। हमारे पास कीवर्ड मैच टाइप्स है, 5 तरह की कीवर्ड मैच टाइप्स होते हैं। एक होता है ब्रॉड मैच, एक होता है ब्रॉड मैच मॉडिफायर, एक होता है फ्रेस मैच, एक होता है एग्जैक्ट मैच, एक होता है नेगेटिव मैच। आप लोगों में से किसी को नेगेटिव मैच का पता है? नेगेटिव मैच क्या होता है? बिन्यामीन भाई कह रहे हैं कि सर कंपेटिटर के ब्रांड पे एड रन करनी चाहिए। अच्छा बिन्यामीन भाई, मैं आपको टू बी वेरी स्पेसिफिक बताऊं, बहुत ज्यादा मार्केटर्स रिकमेंड करते हैं कि यार आप उसके ऊपर, दूसरे कंपेटिटर्स के ब्रांड के ऊपर आप जो है ना एड रन करें। बट मैं पर्सनल तौर पर बताऊं, हमने कोई 50 दफा एक्सपेरिमेंट किया है उस चीज का और हम इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि कंपेटिटर्स के ब्रांड पे, उनकी कीवर्ड्स पे एड रन करने का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज कस्टमर के जो बाइंग साइकिल होती है, दे आर वेरी वेरी माइंड सेटल्ड होते हैं कि यार मैंने ये चीज लेनी है, उनका जहन बना हुआ होता है और वो दूसरी चीजों पे नहीं जाते, तो उनको टारगेट करने का कोई फायदा नहीं है। आपको वर्स्ट पॉसिबल सीटीआर मतलब कन्वर्जन मिलेंगी, आई डू नॉट रिकमेंड एट ऑल कि आप उनके साथ जाएं। अच्छा वापस आते हैं हम कीवर्ड मैच टाइप्स के ऊपर। नेगेटिव मैच का किसी को पता है? नेगेटिव मैच है कोई आप लोगों में से? नहीं। अच्छा ठीक हो गया, चलिए फिर आज हम डिस्कस करते हैं। मेरा ख्याल है कुछ लोगों को यहाँ पे पता होगा। अलीम भाई कह रहे हैं नेगेटिव कीवर्ड्स नॉट शोन सर्च क्वेरीज हैविंग द कीवर्ड नेगेटिव मैच, ऐसे कीवर्ड जिन पर हम अपनी एड्स नहीं दिखाना चाहते। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। नाउ लेट्स डिस्कस ब्रॉड मैच कीवर्ड। अच्छा ब्रॉड मैच में क्या होता है? ब्रॉड में समझते हैं ये सारी इनकी डेफिनेशन है। ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब क्या होता है? ब्रॉड कहते हैं खुला, ठीक है ना, खुला। ब्रॉड मैच इसको उर्दू में करेंगे खुला मैच, ठीक है, ओपन मैच, ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें जाएंगे। अच्छा अब ब्रॉड ये तो है ब्रॉड मैच कीवर्ड है। जैसे ये एक है कीवर्ड है टेनिस शूज, ठीक है। अब इसमें दो वर्ड यूज हुए हैं, ठीक है, टेनिस भी यूज हुआ है और शूज भी यूज हुआ है, ठीक है। अब जब ही अगर गूगल में कोई बंदा सर्च करेगा वर्ड टेनिस, उसके कीवर्ड में टेनिस का वर्ड होगा या उसके कीवर्ड में शूज का वर्ड होगा या दोनों होंगे, तब आपकी ऐड नजर आएगी। यानी कि अगर वो सर्च करता है बाय टेनिस शूज, टेनिस शूज में दोनों वर्ड्स हैं, तभी ऐड नजर आएगी, ठीक है। अब उसमें अगले में क्या है कि बेस्ट शूज वो टेनिस, इसमें भी दोनों वर्ड्स हो रहे यूज। अच्छा आप इसमें टेनिस शूज लेसेस, इसमें भी दोनों। अब अगर आप देखें ना फर्क है कि ये शूज शूज है। अब आप आ गए हैं यहाँ पे रनिंग शूज, अब इसमें टेनिस का वर्ड नहीं मगर शूज का वर्ड इसलिए है। अब इससे आ गए हैं टेनिस स्नीकर्स, इसमें शूज का वर्ड नहीं बट टेनिस का है, इसलिए यहाँ पे एड यूज होगी। अब आपके सामने देखा कि टेनिस शूज पे
हल ये ऐड तभी नहीं शुरू होगी जब टेनिस शूज आएगा, जबकि हल ही टेनिस आ जाए या खाली शूज आ जाए, ये दोनों मिलके आ जाए, हमारी ऐड तब शुरू होगी। इसको कहते हैं ब्रॉड मैच, ब्रॉड मैच कीवर्ड सिलेक्शन। ये हमारी जनरल कीवर्ड होते हैं, ये यूज होते हैं। हाँ, इसमें सिनोनिम्स भी यूज हो जाते हैं, इससे मिलते जुलते पॉसिबिलिटीज भी यूज हो जाते हैं। गूगल जहां समझते हैं कि दिस इज जो यूजर का मतलब टेनिस शूज है, तो वो निकाल देता है। ये बहुत बड़ा बन जाता है कीवर्ड मैच टाइप। और एज अ परफेक्ट मार्केटर या डिजिटल मार्केटर या पीपीसी मार्केटर, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि आप ब्रॉड मैच के साथ जाएं। ये और एग्जांपल्स हैं। आमिर शहजाद बेग का सवाल है कि ब्रॉड मैच हम किस वक्त टारगेट कर सकते हैं। ब्रॉड मैच हम तब टारगेट कर सकते हैं जब हमने डेटा लेना हो, कीवर्ड्स का डेटा लेना हो कि यूजर्स क्या रेलेवेंट क्वेरी से सर्च कर रहे हैं। इससे अब ये आपके सामने ये एक दो वर्ड आए हैं ना, अब इससे रेलेवेंट लॉन्ग टेल 10 10 12 12 20 20 25 कीवर्ड्स निकलते हैं, उस डेटा के लिए यूज करना पड़ता है। अनलेस आपकी बहुत कुछ स्पेसिफिक हो, मैं तो ब्रॉड मैच को रिकमेंड ही नहीं करता। बड़ा कोई रेयर हो जहां मैं ब्रॉड मैच को रिकमेंड करूं कि आपने ब्रॉड मैच के साथ जाना, वरना आपने ब्रॉड मैच के साथ जाना ही नहीं है। और अगर आप शुरू में जा भी रहे हैं डेटा सिलेक्शन के लिए, तो आपको एज सुन एज पॉसिबल ब्रॉड मैच से बाहर निकलना है। अच्छा, ये जो टर्म्स हैं ब्रॉड मैच की और ये सारी, ये गूगल के अपने एड्स के अंदर सिस्टम के लिए हैं, और इनके जरिए गूगल कीवर्ड्स को स्पेसिफाई करता है। परसा का सवाल है डेटा सिलेक्शन। डेटा से परसा, यहाँ पे हमने डेटा लेते हैं मार्केट डेटा, यानी कि अभी लेट से हमें नहीं पता कि हमारे रेलेवेंट कीवर्ड्स क्या हैं, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि यूजर इस क्वेरी को किस तरीके से सर्च करता है। कुछ डेटा तो मुझे गूगल का टूल दे देगा, कीवर्ड टूल दे देगा, मगर मैं एग्जैक्टली देखना चाहता हूँ कि यूजर किन के जरिए मेरे पास आता है, तो मैं इस वजह से ब्रॉड मैच यूज करूंगा, ताकि मुझे पता चले कि ये टर्म्स किस किस तरीके से सर्च हो रही हैं गूगल सर्च के ऊपर, इसलिए मैं ये यूज करूंगा। इसके बाद अगला मॉडिफायर है, थोड़ा सा यहाँ की एग्जांपल्स के साथ वेरिएशंस है, मैंने कहा ये चार्ट को हम यूज देख लेते हैं। ब्रॉड मैच मॉडिफायर, ब्रॉड मैच मॉडिफायर में प्लस का साइन यूज होता है, ठीक है, और इसमें क्लोज वेरिएशंस आते हैं बट नॉट सिनोनिम्स और रिलेटेड सर्चेस नहीं आते। क्लोज वेरिएंट्स आते हैं, इसको मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि ब्रॉड मैच और ब्रॉड मैच मॉडिफायर में फर्क है, थोड़ा सा नाजुक है इसलिए मैं इसको आगे समझाऊंगा। आगे इसके बाद आता है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में आपका जो कीवर्ड है, जब तक वो शामिल नहीं होगा तो आपकी एड डिस्प्ले नहीं होगी। और अगला है एग्जैक्ट मैच, जब वही आएगा सर्च तभी दिखाएगा और वरना नहीं दिखाएगा। जब हम यूज करते हैं फ्रेज मैच, तो हम ये यूज कर डबल, अब कहते हैं मेरे ब्रेन से नाम निकल गए, इसको यूज करते हैं, क्या कहते हैं इसको, डबल डॉट्स जो है, डबल कोई बताएगा। और फिर इसके बाद आता है ब्रैकेट। एग्जैक्ट मैच में ब्रैकेट यूज करते हैं, डबल कोट्स, हाँ डबल कोटेशन मार्क्स। परसा कह रहे सर फिर एड को देखकर एस्टिमेट करना होगा। नहीं परसा, हम एक कन्वर्जन ट्रैकर टूल यूज करेंगे और हम उसके जरिए देखेंगे कि किन कीवर्ड्स के साथ हमारी सेल्स हो रही हैं, हम उन कीवर्ड्स को कंटिन्यू करेंगे और बाकी सबको डिसकंटिन्यू करेंगे। अभी जब हम रियल लाइव में जाएंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी, हम इंशाल्लाह इसमें लाइव एक कैंपेन के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वहां पे जो है ये चीज देखेंगे। आप लोगों के जहन में अगर कोई सवाल और भी जो कुछ अनआंसर्ड है वो लिखते रहने, ताकि हम जब जब वो स्लाइड्स आएंगे, लेक्चर्स आएंगे, तो हम उनको डिस्कस करें साथ साथ। अब हम समझते हैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर को। ब्रॉड मैच मॉडिफायर में यू कैन ऐड अ मॉडिफायर प्लस साइन टू योर ब्रॉड मैच कीवर्ड इफ यू लाइक योर एड्स टू शो व्हेन समवन सर्चेस फॉर क्लोज वेरिएंट ऑफ योर कीवर्ड्स। क्लोज वेरिएंट्स इंक्लूड मिसस्पेलिंग, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स, एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स एंड स्टेमिंग। अनलाइक ब्रॉड मैच यूजिंग अ मॉडिफायर एक्सक्लूड सिनोनिम्स और रिलेटेड सर्चेस। अब हमारे पास मॉडिफायर में क्या है कि एक तो हमारे सिनोनिम का खत्म हो गए, और इससे मिलते जुलते जहां पे गूगल सेल्फ एज्यूम करता है कि ये कीवर्ड इससे मिलता है, वो निकल जाते हैं। मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आपको बजाय ब्रॉड मैच के मॉडिफायर टर्म यूज करनी चाहिए, इसके अलावा यूज ही नहीं करनी चाहिए।
अब ये देखिए, अब हमने ये कीवर्ड इसके साथ हमने ना दो दफा हमने दो वर्ड्स इनके साथ हमने प्लस प्लस लगा दिया। इससे क्या हुआ, एग्जाम्पल हमारे सामने है, एक बंदे ने सर्च किया स्लिंग बैग्स फॉर वुमेन, इसमें हमारी एड नजर आई, यस। अब लेदर बैग्स पे एड नहीं नजर आई क्योंकि इसमें दोनों नहीं होने, ये दोनों नहीं है इसलिए नहीं आए। बाय टैटू बैग इस पे नहीं है, स्लिंग बैग में फर्स्ट तो है मगर सेकंड नहीं, इस वजह से एड नजर आई। डिजाइनर बैग्स विद स्लिंग, इसमें हमारी एड नजर आई, ये हमारा मॉडिफायर टर्म है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने यूज ही करना है ना, डेटा ही लेना है, तो आप मॉडिफायर करें, ब्रॉड मैच भी ना करें। मगर उसका तो इसमें मैं आया नहीं था, इसलिए मैंने बताया नहीं था। हमारे पास जो यूज, जो मैं पर्सनली तौर पर हम जो क्लाइंट्स के कैंपेन्स बनाते हैं, काम करते हैं, तो हम या तो मॉडिफायर के साथ जाते हैं, फ्रेश के जाते हैं, एग्जैक के साथ जाते हैं, और मॉडिफायर को भी हम इवेंचुअली रिमूव कर देते हैं। मॉडिफायर थोड़ी सी टारगेटेड ट्रैफिक ले आता है, जो कि ब्रॉड मैच है, बहुत जनरल है, वहां से बहुत नेगेटिव ट्रैफिक भी आ जाती है। हाँ आमिर जी, आमिर भाई, जब हमने दोनों पे प्लस लगा लिए तो ये जब तक दोनों नहीं शो होंगे तब तक ऐड शो नहीं होगा। इसके बाद अब हम आते हैं फ्रेज मैच। विद फ्रेज मैच योर एड कैन शो व्हेन समवन सर्चेस फॉर योर एग्जैक्ट कीवर्ड और योर एग्जैक्ट कीवर्ड विद एडिशनल वर्ड्स बिफोर और आफ्टर इट। वी विल ऑल्सो शो योर एड व्हेन समवन सर्चेस फॉर क्लोज वेरियंट ऑफ द एग्जैक्ट कीवर्ड और विद एडिशनल वर्ड्स बिफोर और आफ्टर। टू यूज अ फ्रेज मैच सिंपली सराउंड द वर्ड यू वॉन्ट। अब इसके साथ जब हम यूज करते हैं तो हमने इसके साथ लगा दिया डबल कोटेशन मार्क। मगर हम देख रहे हैं कि ये टेनिस शूज में अगर किसी ने रेड टेनिस शूज सर्च किया है या रेड टेनिस शूज सर्च किया है, इसके ऊपर हमारी एड नजर आ जाएगी, मगर इसे और अनरेलीवेंट में एड नजर आएगी, और बेहतर टारगेटेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है। अच्छा, बेस्ट टारगेटिंग क्या है, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में जब तक ये सर्च इन ना टेनिस शूज का एड नजर आएगी, रेड टेनिस में भी नजर आएगी, इसमें भी नजर नहीं आएगी, सिर्फ तभी नजर आएगी जब आप टेनिस शूज सर्च करेंगे। फ्रेश मैच में इसके साथ क्लोज वेरिएंट तक आपकी ऐड नजर आ जाएगी। मैं पर्सनली तौर पे एग्जैक्ट मैच से भी ज्यादा फ्रेश मैच के साथ खेलना चाहता हूँ। फ्रेश मैच के साथ हमने रिजल्ट देखे हैं, अच्छे मिलते हैं। एग्जैक्ट इज अ वेरी टू मच इनटाइप टारगेटिंग हो जाती है। ये सामने कीवर्ड है, बाय फ्लावर मे बी शो फॉर द स्क्वायर, वेयर कैन आई बाय फ्लावर्स इन न्यूयॉर्क बट नॉट फॉर दीज क्वेरीज, बाय रेड फ्लावर्स, फ्लावर्स बाय, बाय फ्लावर, बाय ट्यूलिप्स। ये आपके सामने एग्जाम्पल दिखाने के लिए। आमिर, अब आपको स्क्रीन सही नजर आ रही है? आमिर आप बताएंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। जी आमिर शहजाद भाई, आप बताएं कि आपके साथ ठीक है, तो फिर हम आगे चले, हमने होल्ड किया हुआ आपकी वजह से। चले ठीक है, मुझे आमिर का रिप्लाई भी नहीं आ रहा। चले अब आ गया, रिप्लाई भी आ गया, ओके हो गया। हमारे सामने ये आ भी गया फ्रेज मैच का, आ भी गया नजर आ गया कि बाय फ्लावर्स के ऊपर हम कैसे रेलिवेंट के साथ ये जाता है। अब हम आते हैं अगली टाइप के ऊपर, जो हमारी एग्जैक्ट मैच है। विद एग्जैक्ट मैच योर एड्स कैन अपियर व्हेन समवन सर्चेस फॉर योर एग्जैक्ट कीवर्ड विदाउट एनी अदर टर्म्स इन द सर्च। वी विल आल्सो शो योर एड व्हेन समवन सर्चेस फॉर क्लोज वेरिएंट्स, बट आई को क्लोज हो जाए तो फिर आए, नहीं तो नहीं आएगा। अब देखिए वही जहां मैंने आपको पहले बताया था कि अब रेड टेनिस शूज और बाय टेनिस शूज के ऊपर एड नजर नहीं आएगी। हाँ, अगर यहाँ पे डबल कोटेशन लगा होता और ये फ्रेश मैच होता तो फिर इन दोनों कीवर्ड्स के ऊपर भी सर नजर आ जानी थी, मगर अब क्योंकि ये वेरी स्पेसिफिक है तो यहाँ तो टेनिस शूज में नजर आएगी या टेनिस वो सिंगल एंड डबल एंड जैसे लोग इसको सर्च करते हैं, इसके साथ ऐड नजर आएगी, इसके अलावा ऐड नजर नहीं। ये परफेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है, मगर इस पे हमारे पास क्योंकि कस्टमर्स और क्वेरीज बड़ी कम होती है और कॉम्पिटिशन बड़ा हाई होता है, इस वजह से हम हाल एग्जैक्ट के साथ नहीं जा सकते, हमें हम साथ फ्रेश मैच भी यूज करते हैं। आप देखिए, हम जब एग्जैक्ट मैच सर्च किया तो फिर हमारे नजर ही कब आएगा, जब हमने बाय फ्लावर सर्च किया, या बाय फ्लावर्स कैपिटल लेटर्स में भी होगा तभी हमने सर्च कर दिया, यहाँ पे भी आ गया नजर हमारा। अब इसके बाद आते हैं, हमारा नेगेटिव मैच आता है। नेगेटिव मैच यूजली हमें यूज करना पड़ता है हर जगह पे, ताकि हम इररेलीवेंट कीवर्ड्स को निकाल सके बाहर, वो कीवर्ड्स जिसके साथ कंज्यूमर की बाइंग साइकिल खराब होती है, ये कंज्यूमर
जो है ना आपका बाय नहीं करने वो नहीं बाय करने वाला, तो इसको फिल्टर करने के लिए और टारगेटेड करने के लिए हम नेगेटिव मैच यूज करते हैं। इसमें जब भी हम किसी कीवर्ड के साथ माइनस लगा देते हैं तो फिर वो वाला वर्ड जब भी ऐड में आता है तो नजर नहीं आती आपकी ऐड। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बियर्स के साथ, हमने पॉलर के साथ डैश लगा दिया, तो जब भी वो पॉलर बियर्स आएगा हमारी ऐड नजर नहीं आएगी। जब भी उसको पॉलर का वर्ड आ गया तो उसने हमारी ऐड नजर नहीं आनी। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखें। अब जब अगले बंद अगर हमने चीप का, अगर लेट से अगर हमारी जो प्रोडक्ट मार्केट है वो बड़ी हाई हाई क्लास को है टारगेट करती है, तो हमने जब हम नहीं चाहते हमारे पास ये कस्टमर आए जो चीप सर्च करता हो, बिकॉज वी आर एन एक्सक्लूसिव ब्रांड। जैसे लाहौर में या पाकिस्तान में 5-स्टार होटल्स होते हैं, अवारी है, पीसी है, शायद आप लोगों को पता हो इन होटल्स का, तो ये टॉप होटल्स हैं। इनके साथ ये वर्ड नहीं आएगा कि जी वी हैव चीप रूम्स अवेलेबल हेयर, बिकॉज इनकी क्लास है, वो क्लास को मेंटेन करेंगे हाई स्टैंडर्ड के साथ, हाई स्टैंडर्ड वाले इसलिए वो चीप का वर्ड निकाल लेते हैं। इसी तरह वर्ड्स निकालते हैं फ्री, इसी तरह और बड़े वर्ड्स होते हैं, जैसे वर्ड है क्रैक, ये बड़े इस तरह के वर्ड्स हैं जो हम निकाल सकते हैं। हम जो है कि क्या कहते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स को या तो हम अपने एड ग्रुप लेवल पे निकाल सकते हैं या कैंपेन लेवल पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक और हैक आ गया, सेल ग्लिच आ गया, चीट आ गए, ये और तरीका है, मगर ये सिर्फ दिखाने के लिए फर्क है। एड ग्रुप में डालेंगे कैंपेन लेवल पे डालें फर्क नहीं है। एड ग्रुप पे डालते तो क्या होता है, सिर्फ उसी एड ग्रुप के लिए होता है, और कैंपेन लेवल पे डालते तो उससे क्या होता है कि बाकी सारे जितने एड ग्रुप हैं उनके साथ भी ये रहे। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग इसको कैंपेन लेवल पे डालें। इसके बाद अब अगली टाइप आती है हमारे पास डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन, DKI। आप लोगों में से किसी को DKI का पता है तो बताएं, जरा शेयर करें अपना नॉलेज जो है। अच्छा, बेसिकली ये यूज करते हैं लार्ज बेस मार्केटर्स, स्पेशली जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स जिनकी होती है ना। अब ई कॉमर्स में हमारे पास 100, 200, 500, 1000 प्रोडक्ट्स हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इतने ज्यादा हमारे पास कीवर्ड्स एड्स मतलब प्रोडक्ट्स होती हैं कि हर एक के लिए बाजू का लिटरली पॉसिबल नहीं होता कि हम हर एक के लिए एड बनाएं। तो DKI के जरिए हम क्या करते हैं कि अपनी एड टेक्स्ट के टाइटल में जो अगले बंदे की क्वेरी होती है वो डाल देते हैं। ठीक है, अब लेट से अब अगले बंदे ने सर्च किया है फ्लावर डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, तो हमारे एड टेक्स्ट में अगर हमने कीवर्ड कॉलन फ्लावर्स रखा है, हमारे एड टाइटल में अगर हमने ये डाला है तो हमारा एड टाइटल खुद ही बदल के फ्लावर डिलीवरी न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगर हमने कीवर्ड का जो के है वो कैपिटल किया है तो हमारा फ्लावर डिलीवरी नेटवर्क का जो एफ है वो कैपिटल हो जाएगा, मगर अगर हमने की का के भी कैपिटल किया, डब्ल्यू भी किया, तो हमारा सारा जो है ना हमारा कैपिटल में हो जाएगा। यानी कि जो यूजर की सर्च क्वेरी है वही हमारा एड टाइटल बन जाएगा। जी बिल्कुल, क्वेरी के अकॉर्डिंग हमारी एड होगी डिस्प्ले, मगर इसमें तीन तरीके से होती है। अब आपको देखना है, मैं रिकमेंड करता हूँ जो है थर्ड वाला, ये जो थर्ड पॉइंट है ये सबसे परफेक्ट है क्या कहते हैं आपके एड टाइटल के लिए, जिसमें के भी कैपिटल हो डब्ल्यू भी कैपिटल हो, ताकि हमारे जो कैपिटलाइजेशन है वो हमारी प्योर मेंटेन हो सके। ये हम आज हमने DKI को हमने टेस्ट किया है, आगे हम इसको जब हम और बनाएंगे तो इसको भी देखेंगे। अब मैं आप लोगों से जो न्यू असाइनमेंट है जो आज है वो हम डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको कहूंगा कि आप लोग जो है ना जो अपनी जो आपकी ओल्ड जो आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनाई हुई हैं, ठीक है, एड्स की जो असाइनमेंट बनाई हुई है उसमें ए बल्कि आप एक ऐड जो है ना सबकी वो DKI ऐड बनानी है, DKI ऐड बनानी है। जो भी आपने अभी तक एड्स बनाई हैं उन सब की एक आपने DKI ऐड बनानी है। और सेकेंड चीज व्हाट आई वांट यू टुडे कि आप लोगों ने करना क्या है कि आपने जितने भी इनके तीन तीन एड्स आपने हर एक वेबसाइट की बनाई थी ना, तो उन तीन एड्स को मद्देनजर रखते हुए आपने 10 कीवर्ड्स का एड ग्रुप बनाना है। ठीक है, उन तीन एड्स को मद्देनजर रखते हुए आपने 10 कीवर्ड्स का बनाना है, जिनमें से मिनिमम 2 एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स होने चाहिए, मिनिमम 3 फ्रेज मैच कीवर्ड्स होने चाहिए, 4 ब्रॉड मैच मॉडिफायर कीवर्ड्स होने चाहिए, 1 आपका ब्रॉड मैच कीवर्ड होना चाहिए, और 15 आपने नेगेटिव कीवर्ड्स डाले। नेगेटिव कीवर्ड्स ढूंढे इंटरनेट पे,
पता चलेगा कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ढूंढ के 15 मिनिमम होने चाहिए जो आपने डाल के ये असाइनमेंट बनानी है, और एक आपने डीके ऐड बनानी है। तो आज का जो एक लेक्चर है, इट वाज अब हमारा खत्म हो गया है, बट अगर कोई हम रिविजन करें तो हम क्या कोई डिस्कस कर सकते हैं कि आज हमने क्या सीखा, क्या डिस्कस किया हमने, किसी को याद है? अलीम भाई कह रहे हमने कीवर्ड टाइप्स डिस्कस की। जी बिल्कुल सही, हमने कीवर्ड टाइप्स डिस्कस की, और फिर हमने कीवर्ड मैच टाइप्स भी डिस्कस की, और हम इसके अलावा क्या डिस्कस किया? जैन भाई कह रहे हैं हाउ कस्टमर्स सर्च। जी बिल्कुल सही, यूजर इंटेंशन बिहाइंड कीवर्ड्स। जी बेन्यामीन भाई सही कहा कि यूजर इंटेंशन। फहीम भाई कह रहे हैं डीकेआई। जी बिल्कुल, हमने डीकेआई को भी किया डिस्कस किया, और एक चीज हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस की, वो कैसे सब लोग भूल गए, स्टार्ट में की थी डिस्कस, जी बिल्कुल, हमने एड रैंक के कॉन्सेप्ट को एक दफा रिवाइज किया था, ऑक्शन प्रोसेस को, जिसके जरिए हम क्या कहते हैं, एड्स हमारी रैंक होती है, पेड होती है। फिर हमने, जी बिल्कुल, नेगेटिव मैचेस को भी डिस्कस किया। अभी हमारा एक और, जो हमारा इस वीक हम एक और लेक्चर एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट विल बी ऑन अंडरस्टैंडिंग द विजिटर साइकोलॉजी और लैंडिंग पेज, वो एक हमारा लेक्चर है इसी वीक में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द विजिटर साइकोलॉजी, और उसके मुताबिक हमने लैंडिंग पेज हमारा कैसा होना चाहिए। वो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, मगर वो जो है इस प्रॉब्लली आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि असाइनमेंट उसकी नहीं है, असाइनमेंट सिर्फ इसी की मिलेगी आपको इस वीक के लिए। ये असाइनमेंट हमने संडे तक करनी है, और अगर किसी के जेन में कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो प्लीज मुझसे और कर सकता है। अच्छा, अब मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मुझे बोला गया है आमिर शहजाद भाई ने कि प्लीज रिपीट डीकेआई, और जैन फिर हम एक एक करके जो ना, पहले हम डीकेआई को समझते हैं। डीकेआई बेसिकली हमारा डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन होती है। ये यूजुअली हम प्रेफरेंस लोग करते हैं ई कॉमर्स साइट जिनके पास 100 हजारों प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं, और हर एक के लिए ऐड बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, कि हम जहाँ पे कहते हैं कि वन ऐड पर कीवर्ड इज द बेस्ट फॉर्मूला, मगर इसके लिए हमारे पास पॉसिबल नहीं होता कि हम कर सकेंगे। हम तो कहते हैं वन प्रोडक्ट, मतलब एक हर प्रोडक्ट के लिए अलग ऐड होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन यूज कर लेते हैं, जहाँ पे अगलों ने नीचे सब कुछ सेम होता है, जी फाइंड बेस्ट प्राइसेस इन लाहौर, फाइंड बेस्ट प्रोडक्ट्स, और ऊपर लिखा हुआ होता है जो अगले की क्वेरी हो। अगला, अगर आप चाहते हैं कि अब यूजर एक प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीकों से सर्च करता है, आप चाहते हैं कि आपका जो यूजर ने जो सर्च की क्वेरी है वही आपकी एड का टाइटल बन जाए, तो उसे हम कहते हैं डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन, डीकेआई। डीकेआई में तीन तरह से कीवर्ड इंसर्शन हो जाती है, जिसमें पहला स्मॉल लेटर्स के साथ होता है, सेकंड होता है जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और थर्ड होता है जिसमें हर लेटर कैपिटल है। तीनों वेरियंट्स आपके सामने हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ थर्ड वेरियंट को। ठीक है आमिर भाई, आपके जहन में ये क्वेश्चन समझ आ, ये बात समझ आ गई आपके, ये डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन समझ आ गया आपके? अच्छा, ये हमारा डिफॉल्ट आप शो होगा जब हम रेलिवेंट रेलिवेंट जब हमने जाना है ना, जब भी हमारे फ्लावर्स रिलेटेड हम भी जब भी खेल रहे हैं ना, तभी हमारी नजर आएगा, वरना नहीं आएगा। यानी कि हमारे जब तक अगले की क्वेरी में फ्लावर का वर्ड नहीं होगा तो फिर नहीं नजर आएगी, हमारे नजर नहीं आएगा, क्वेरी नजर नहीं आएगी। अब अगला से हमारा अगले का सवाल इसके बाद है, शहजाद भी कह रहे हैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग जी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे अपलोड होगी, थोड़ा सा इसके बाद है असाइनमेंट रिपीट कर दें और फिर है फ्रेस मैच रिपीट कर दें। आप भी पहले फिर हम फ्रेस मैच करते हैं, फिर उसके बाद हम असाइनमेंट के बजाएंगे। डीकेआई की आप लोगों ने असाइनमेंट्स निकाल के दिखानी है मुझे, एड्स आप लोगों ने दिखानी है कि आप लोगों ने बनानी है, तो इसके ना आई तो ये, वैसे मैं आपको बताऊं कि जो सारी दुनिया की बड़ी बड़ी शॉपिंग साइट्स है ना, ये यूज करती हैं डीकेआई, यूज करती है। थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो मिल जाएंगी आपको, नहीं तो मैं नेक्स्ट मैं आपको लेक्चर में दिखा भी दूंगा, बट आपने फिलहाल ढूंढनी है, थोड़ा सा आप ढूंढे नहीं मिलेंगे तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा मैं।
नॉट एन इश्यू एट ऑल। जी शहजाद जी, ग्रुप रिकॉर्डिंग अपलोड होगी। अब इसके बाद आता है हमारा फ्रेज मैच। जैन का, जैन भाई का सवाल था फ्रेज मैच है क्या। मैंने खोला हुआ एग्जैक्ट मैच खोला हुआ है। अब जब मैंने एग्जैक्ट मैच में ये ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं, अब ये वर्ड है टेनिस शूज। मेरी एड शो और ये टेनिस शूज पे और टेनिस शूज के ऊपर, मगर मेरी एड शो नहीं हो रही जबकि लिखा हुआ रेड टेनिस शूज और बाय टेनिस शूज। ये मेरा एग्जैक्ट मैच है। जैन भाई ये समझ आया एग्जैक्ट मैच है क्या? क्योंकि ये समझ आएगा तो फिर मैं आपको फ्रेज मैच आपको समझ आएगा। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि टेनिस शूज जहां पे लिखा हुआ है, मगर इसके साथ कोई भी चीज ऐड में कर रहा हूं ना, जैसे रेड टेनिस शूज ऐड कर रहा हूँ या बाय टेनिस शूज ऐड कर रहा हूँ, मेरी ऐड शो नहीं हो रही। मगर जब हम जाते हैं ना फ्रेज मैच में, तो अगर हम रेड टेनिस शूज ऐड करेंगे ना तभी हमारी ऐड, जब बाय टेनिस शूज ऐड करेंगे ना तभी हमारी ऐड शो हो जाएगी। तो इसको फ्रेज मैच कहते हैं। फ्रेज मैच में आपके कीवर्ड के साथ रेलिवेंट या वेरी क्लोज सिनोनिम या टू द पॉइंट बात ऐड हो तो हमारी ऐड शो हो जाएगी, नहीं तो फ्रेज एग्जैक्ट में ऐसा नहीं होता। समझ आ गया कॉन्सेप्ट आपको? बाकी मैं स्लाइड्स भी आपको दे देता हूँ ताकि आपको ये समझ भी आ जाए। फिर इसके बाद मैं असाइनमेंट रिपीट कर देता हूँ। असाइनमेंट का भी किसी ने कहा था कि असाइनमेंट रिपीट करते हैं। अच्छा, असाइनमेंट हमारी आपके सामने। ये आप सब लोगों ने, जो आप लोगों ने अभी 10-10 बनाई हुई है ना एड्स बनाई हुई है ना, इन सब की आपने एक DKI एड बनानी है। ठीक है, DKI है, डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन एड बनानी है। एड बनाने का तरीका बड़ा आसान है कि टाइटल में ना आपने ये कीवर्ड डाल देना है और उसका नाम रख देना आगे जो कीवर्ड है, और उसके आगे यूं कर देना है। तीन वेरिएंट्स हैं, रिकमेंड मैं करता हूँ थर्ड वेरिएंट, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। इसके लिहाज से आपने ऐड बनानी है, एक आपने ऐड बनानी है, दूसरा बाकी जो आप लोगों ने एड्स के तीन तीन एड ग्रुप मिल के 10 आप लोगों ने वेबसाइट्स को की तीन तीन एड्स बनाई थी, ऐसा ही है। अब आपने उन तीन तीन एड्स के लिए 10-10 कीवर्ड बनाना है। ये नहीं कि हमारे 10 एड ग्रुप्स बने थे और उन 10 एड ग्रुप्स के लिए अब हमने 100 कीवर्ड्स निकालने हैं। ये नहीं कि हर तीन एड जो एड्स बनाई थी हमने उनको हम एक एड ग्रुप में डालेंगे और उस एड ग्रुप के अंदर 10 हमने कीवर्ड्स निकाल लिए हैं, और हर इनको उसमें से उन 10 कीवर्ड्स में से दो आपके एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स आपने पसंद करने, तीन आपने फ्रेज मैच कीवर्ड्स निकालने, चार आपने मॉडिफायर निकालने, एक आपने ब्रॉड मैच डालना है, और उसके साथ 15 नेगेटिव कीवर्ड्स भी साथ लिखने हैं। या आप वर्ड पे बना सकते हैं या एक्सेल के ऊपर बना सकते हैं, सेम जिसके ऊपर चाहे आप बना सकते हैं, पावर पॉइंट पे बना सकते हैं, जो आपको सही लगे, मगर आपने बनानी है ये स्किप नहीं करनी। ठीक है, ये पस आपको समझ आ गई असाइनमेंट? बाकियों को समझ आ गई? जिनको पता भी है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी है, उनको भी मैं कहूंगा ये आपने बनानी है। करेंगे असाइनमेंट करेंगे तो थोड़ा सा जहन ओपन होता है। सो दिस वॉज एंड टू आवर लेक्चर टू। वी आर एक्सपेक्टिंग, एक और लेक्चर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल या परसों में, तो आप मैं ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ कि हम जब कब कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेक्चर जो है मैं ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ। बट अगर किसी के दिन में सवाल है हाउ वॉज द लेक्चर, वो आप बता सकते हैं। सो राइट नाउ समवन आउट देयर इज एक्चुअली डाइंग फ्रॉम अ बोरिंग प्रेजेंटेशन, होपफुली इट वॉज नॉट माइंड। आई होप कि आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं किया, तंग नहीं किया, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं दिया। सो इट वॉज ऑल एंड फ्रॉम दिस साइड। कोई क्वेश्चन हो तो कर ले, नहीं तो आई एम क्लोजिंग दिस लेक्चर इन नेक्स्ट 2 मिनट्स, अगर किसी का क्वेश्चन ना हुआ तो। आमिर शहजाद भी कह रहे कीवर्ड पर एक और लेक्चर हो सकता है। आमिर भाई जरूरत नहीं है, बट कहेंगे तो हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में, आप अगर ग्रुप पे ये कहेंगे DKI, तो फिर मैं नेक्स्ट में DKI का एक सेगमेंट और डाल दूंगा। मैं नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर है हमारा कब, उसके अंदर डाल देंगे। नहीं तो चूंकि हमने बाकी से इन सबको डिस्कस करने हैं आगे, हमने इनको भी डिस्कस करना है अभी, हमने आगे जब हमने प्रैक्टिकल में जानना है तभी हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद भी अगर आपको लगेगा लेक्चर 7-8 के बाद अगर आपको लगता है कि वी आर हमें एक और होना चाहिए, तो फिर वहां पे हम आपको एक और ऐड कर देंगे आपके लिए लेक्चर। बाकी आप ग्रुप पे जरूर लिख दीजिएगा कि अगर आपने DKI को कहते हैं DKI नेक्स्ट पार्ट में ऐड कर दे, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में ऐड कर देंगे उसका, जो है ना कि उसकी एग्जांपल्स भी आपको दिखा देंगे। दासिर भाई, हम ऐसा हो सकता है कि जो कोर्स में आउटलाइन में लिखा हुआ है ना उससे ज्यादा ही बताएं, उससे कम नहीं बताएंगे। जो लिखा हुआ है वो तो लाजमी पूरा करेंगे, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा कवर कर जाएंगे।
मगर जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो तुमने लाजमी कवर करना है, जो हमने कोर्स आउटलाइन में जो जो चीजें मेंशन की हुई हैं। और शहजाद अभी भाई मैं आपको चाहूंगा कि आप लेक्चर 1 और 2 ग्रुप पे पढ़ा हुआ है उसको लाजमी देखें और रिवाइज करें, ताकि आप और उसकी असाइनमेंट मुझे करके दें। सो लेक्चर 3 इज फिनिश्ड और थैंक्स फॉर कमिंग और सींग आउट। थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीवन।